ट्रेडिशनल बोन सेटिंग टेक्निक के द्वारा पेन रिलीफ थेरेपी के कैंप का आयोजन दिल्ली के करोल बाग में हुआ। यह कैंप ऑफलाइन था, जहां भाग लेने वालों ने अपने अनुभव साझा किए और बहुत कुछ सीखा। इस कैंप में ट्रेनर राजपाल सोलंकी ने अलग अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों को मैनुअल थेरेपी के बारे में सिखाया और अपने अनुभव साझा किए। इस कैंप में कई राज्यों से आए प्रतिभागियों ने खुद की समस्याओं का भी समाधान पाया, क्योंकि कुछ प्रतिभागी ऐसे भी थे जिन्हें अपने ट्रीटमेंट भी करवाना था और इस मैनुअल थेरेपी के बारे में सीखना भी था। उनको यहां आकर काफी लाभ हुआ और इस तरह के ज्यादा से ज्यादा कैंप लगने की आवश्यकता बताई। ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में सीखें और उन्हें दवाइयों का सेवन किए बिना खुद का इलाज करने की तकनीक का पता चले। इस कैंप में भारत के ही अलग अलग राज्यों से नहीं बल्कि नेपाल व मॉरिशस से भी प्रतिभागी आए, जिनको ट्रेनर राजपाल सोलंकी ने मैनुअल थेरेपी के बारे में सिखाया। यदि कोई भी शख्स मैनुअल थेरेपी सीखना चाहता है, अपने किसी बीमारी के निदान के लिए मैनुअल थेरेपी करवाना चाहता है, तो ट्रेनर राजपाल सोलंकी हमेशा तत्पर रहते हैं। आप राजपाल सोलंकी से फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9818483080। कॉर्पोरेटर ट्रेनर राजपाल सोलंकी द्वारा आयोजित आगामी कैंप मुंबई और अहमदाबाद में है। मुंबई में मैनुअल थेरेपी ट्रेनिंग का यह कैंप 12, 13 और 14 दिसंबर 2022 को जाट भवन नवी मुंबई में होगा। अहमदाबाद का कैंप 20, 21 और 22 दिसंबर को आयोजित होगा, जिसके बारे में आप जानकारी राजपाल सोलंकी के व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। आप टर्न करेंगे राइट साइड, तो राइट साइड करने पर नहीं, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तब आता है। अभी हम कैसे दूर करते हैं, देखते रहेंगे सर। गर्दन को थोड़ा सा, स्पाइन को सीधा करेंगे, फिर आप एल्बो के लिए प्रेस करेंगे ऊपर के लिए, एक राउंड लेंगे, डाउन कर देंगे तो लेफ्ट साइड से इस तरह से, इसके बाद फिर एक जब लास्ट में हाथ की तरफ इस तरह से ग्रिपिंग करेंगे, हल्का सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ, बस पूछेंगे पेशेंट से। मैं राजपाल सोलंकी, कायरोप्रैक्टर, दिल्ली से हमारा इंस्टीट्यूट है और पिछले हम 20 साल से वर्क कर रहे हैं कायरोप्रैक्टर में। हम 20 साल से वर्क कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोगों को फायदा दिया है। जी सर, मुझे बताएं कि जैसे कि शरीर में माइग्रेन की कई जगह ऐसे जोड़ों में दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों की ना नसों के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो क्या उसका भी हल है आपके पास? माइग्रेन का श्योर है हमारे पास, 100% रिजल्ट है। आप दवाई खाते हैं, दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी और पहली बार में ही और मैक्सिमम 10 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। माइग्रेन जैसे भयंकर रोग में सिर्फ आप 10 मिनट में ठीक हो जाएंगे, चाहे वो आपको साउंड की वजह से माइग्रेन होता हो या अधिक उजाले की वजह से माइग्रेन होता हो। किसी किसी को भीड़ में भी साउंड, जब भीड़ की साउंड होती है उसमें भी उजाला होता है, माइग्रेन होने लगता है। ट्रैवलिंग से भी लोगों को वोमिटिंग आती है, उल्टियां होती हैं और सर में दर्द आने लगता है। और ये सर में दर्द माइग्रेन का 1 से लेकर 3 दिन तक रहता है। हम मात्र 10 मिनट का उपचार में ठीक कर देते हैं, किसी तरह का कोई दवाई नहीं, सिर्फ कायरोप्रैक्टर की विधि से। सर, दर्द की जो दर्द होता है वो ज़्यादातर महिलाओं के शरीर में देखा गया, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें होता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है और कई बार तो महिलाओं के ना गर्दन में भी ज़्यादा दर्द
होता है और वो अक्सर दवाइयाँ खाने को मजबूर हो जाती है, फिर दवाइयों से उनके शरीर में ना साइड इफेक्ट हो जाता है, असर हो जाता है, इस तरीके से फिर वो हॉस्पिटल के चक्कर काटती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या आप हमारे पास, देखिए गर्दन में सर्वाइकल से संबंधित प्रॉब्लम आती है, जब सर्वाइकल आपको बढ़ेगा तो सर्वाइकल में एक ही पॉइंट नहीं है, सर्वाइकल के साथ में फ्रोजन शोल्डर भी होगा। जिनको सर्वाइकल हुआ है और लंबे समय तक सर्वाइकल रहता है उनको फ्रोजन शोल्डर भी हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर में एक चीज और है कि जिनको डायबिटीज है उनके चांस ज़्यादा हो जाते हैं, डायबिटीज जिनको हो रखा है उनके फ्रोजन शोल्डर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके पास, हमारे पास आइएगा, MRI आपने कोई करा रखा है उसको अपने साथ लाएं, MRI एक्सरा जो भी आपने जांच रिपोर्ट करा रखी है उसको लेके साथ आएंगे, तो हम आपको बता देंगे कितने समय में ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा। सर जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई आता है तो कोई दवाई या कोई कोर्स इस प्रकार से कितना लंबा चलता है या कितने दिन में सही हो सकते हैं? स्लिप डिस्क आती है लोअर बैक एरिया में, जब आप MRI को देखेंगे तो उसमें MRI में लिखा होगा L3, L4, L5 या S1 तक ये दर्द जाता है। L3 है तो उनके L3 के सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते हैं, L4 में है तो आपका साइड का नर्व डैमेज होती है, L5 में है कोई प्रॉब्लम आई है तो आपका स्वेलिंग का प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से जो भी हमारा ये आप लेके आएंगे हम आपको बता देंगे कितने समय में आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे, और समय नहीं, पहली सेटिंग से आपको आराम हो जाएगा, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो कहाँ पे और कैसे आना होगा और कितने दिन का कोर्स होगा आपके पास आने का? हमारे से मिलने के लिए हमारा क्लिनिक है बुराड़ी, जहाँ सरकारी गवर्नमेंट स्कूल एक ही है बुराड़ी में, वहाँ आप आ जाइएगा, उसी के बराबर में राजपाल सोलंकी मेथड के नाम से हमारा क्लिनिक है, वहाँ पर आकर के उपचार अपना करा सकते हैं। और पहली सिटिंग से दवाई की तो बात ही नहीं करते हम, किसी भी प्रकार की न इंजेक्शन या टैबलेट, किसी प्रकार की आयुर्वेदिक कोई दवाई नहीं देते। नाम बता दीजिए। मैं नेहा तेवतिया पलवल से। नेहा जी, क्या परेशानी थी आपकी जो आपको यहाँ आना? मेरे को ना बैक पेन बहुत ज़्यादा था तो, और मेरे सर्वाइकल की भी दिक्कत है थोड़ी सी, उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया। कितने लंबे समय से है? मेरे को कम से कम भी ना 3-4 साल से परेशानी है इस चीज़ की। तो यहाँ पे लंबे समय से आ रहे हैं या आज ही आए? मैं आज ही आई हूँ, लेकिन रिजल्ट मुझे अभी तुरंत ही मिल गया इस चीज़ का कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। कि चाहे मैंने मेडिसिन भी लेके किया है तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे तुरंत मुझे रिजल्ट मिला इस चीज़ का। तो मुझे ये बताएं कि आप यहाँ आए हैं, रिजल्ट आपको तत्काल मिल चुका है, तो डॉक्टर साहब ने क्या होता है, क्या लंबे समय तक आना होगा या कोई समय सीमा? कम से कम 2-3 दिन तो आना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम मतलब कंटिन्यू नहीं आ सकते, ब्रेक ले लेके आएंगे, जैसे हफ्ते में 2 सिटिंग ले ले या फिर 15 दिन में 4 सिटिंग ले ले, ऐसे लेना होगा, मतलब 2-3 दिन का गैप ले लेके ले सकते हैं हम इसे, लेकिन पहले कंटिन्यू 2-3 दिन आना पड़ेगा इसमें। क्या संदेश देना चाहिए उन महिलाओं को जिनके दर्द रहता है और पीड़ित रहती हैं, दवाई खा कर भी उनको आराम नहीं मिल पाता? मैं यही चाहती हूँ, सबसे अनुरोध करती हूँ कि जो मेडिसिन ले लेके अपनी शरीर को खराब कर रही है वो बिना मेडिसिन के ऐसे कायरोप्रैक्टर लेके और वो ठीक हो जाए। इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास ना करें, मेडिसिन खा के एक चीज़ ठीक करोगे लेकिन दूसरी चीज़ उभर के आती है, वो हमें तब उस टाइम पे पता नहीं चलता लेकिन बाद में पता चलता है। सर मैं धर्मपाल दहिया फरीदाबाद से। मुझे काफ़ी समय से ना शोल्डर में पेन होता था, राइट शोल्डर में, तो एक दिन राजपाल सोलंकी सर से ट्रीटमेंट लिया मैंने तो काफ़ी रिलीफ मिला। मुझे पता लगा इनका कैंप यहाँ करोल बाग में लगा हुआ है, तो मैं लगातार अब 3 दिन से आ रहा हूँ और अभी मैं अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सर्वाइकल भी था और फ्रोजन शोल्डर का मेरा बहुत ही पुराना पेन था। कितने साल? ये कम से कम 6-7 साल पुराना मेरा पेन था। ये इसका इलाज भी चल रहा होगा आपका? नहीं, मैंने छोटे मोटे वैसे मेडिसिन वगैरह लिया, इलाज कराया, पर ये ट्रीटमेंट बिना मेडिसिन वाला मुझे नहीं पता था पहले। तो कोई शुल्क या इस प्रकार से कैसे पता चला आपको? ये डॉक्टर साहब जो है ना अपनी मूवमेंट से उसको बताते हैं, जहाँ दर्द होता है तो वो महसूस किया इन्होंने। बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पर बुराड़ी में इस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आप बाहर रहते हैं ना? हाँ, ये डॉक्टर कमला दहिया हैं, ये मेरी डॉटर इन लॉ हैं,
ये पहले यहाँ काम कर चुके हैं, इन्होंने कोर्स भी किया है यहाँ से, तो इनके द्वारा मुझे पता लगा तो मैं भी यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराने आया।